अरविंद कुमार सिंह एक ऐसा नाम जिसने 2010 के आसपास अपनी राजनीतिक यात्रा को आरंभ किया और आज सक्रिय समाज सेवी तक का सफर भी तय कर दिया। बसपा दल में शामिल तथा आज कई राजनीतिक संगठनों से भी जुड़कर समाज सेवा में लीन, ऐसे अरविंद कुमार सिंह से आज हम आपको मिलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कर्मठ है और कुछ क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा है। विद्यावती वार्ड तृतीय, एक ऐसा वार्ड जो अभी अभी बना लेकिन बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प, क्योंकि इस वार्ड में समस्याएं हैं, शिविर की समस्याएं, जल भराव, नाली चौक, तो हर जगह एक मांग है, वह सफाई। इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए कौन व्यक्ति आगे आएगा ये तो समय ही बताएगा, और किसको जनता जिताकर यहाँ से पार्षद बनाएंगे ये भी समय तय है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन होगा बेहतरीन दावेदार। इन्हीं दावेदारों के बीच में हमारे साथ आज हैं अरविंद कुमार सिंह, जो विद्यावती तृतीय से तैयारी कर रहे हैं इस बार के पार्षद चुनाव की दावेदारी कर। आइए मिलते हैं अरविंद कुमार सिंह से कि क्षेत्र की जनता के लिए आखिर उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये आ गए इस चुनाव में। क्या चुनाव में उतरने के लिए सिर्फ इसलिए आए कि पद प्रतिष्ठा लोभ मिल जाए या लालच मिल जाए, या इसलिए कि पद मिलने के बाद में हम पार्षद बनने के बाद जनता से विमुख होकर फिर से पद का दुरुपयोग करें, या कुछ और जिस तरह से अब तक होता आया इस वार्ड की जनता। देखते हैं क्या करते हैं अरविंद जी, पार्षद बनेंगे या हारेंगे या जीतेंगे एक बार, लेकिन जनता तय करेगी कि अरविंद जी बन पाएंगे या नहीं। इन्हीं सब बातों के बीच, इन्हीं सब विषयों के बीच हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह। नमस्कार अरविंद जी, चुनाव इसमें लगभग मैं ये देखता हूँ कि हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोच लेता है। कभी कभार तो ये होता है कि मोहल्ले का कोई आदमी कह दिया उसने तय, उसने तय नहीं। आपने राजनीति की चुनी, आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, इसमें मस्त है और जनसेवा में चूंकि प्रयास फाउंडेशन से भी आप जुड़े हुए हैं लगातार उसने काम किया। आखिर ये सब क्यों चुनाव और राजनीति क्षेत्रीय क्यों चुना आपने, क्यों लगा कि आप जाना चाहिए मुझे, क्या ऐसे ही पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मालाएं मिल जाएगी, मंच मिल जाएगा या लोगों की तालियां मिल जाएंगी इसलिए, या कुछ और राजनीति में आ पाएंगे? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो एक हिसाब से देखा जा सकता सही है, नॉर्मल यही होता है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं राजनीति में मुझे फूल चाहिए, माला चाहिए या इस तरह कोई पद प्रतिष्ठा। पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी, ये तो एक ऑब्वियसली सत्य है। मैं प्रयास फाउंडेशन के थ्रू मैं लोगों को जो गरीब है उनकी मदद करता रहता हूँ समय समय पर, और राजनीतिक क्षेत्र में आने का मेरा एक ही एक उद्देश्य है क्योंकि मैं यहीं इसी क्षेत्र में रहता हूँ और यहाँ की जो जन समस्या है, सड़क, सीवर, नाली, पानी, पानी नहीं आता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता, तो इसको देखते हुए और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो मेरी छवि है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर कुछ हमारे सहयोगियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि आप चुनाव में आओ, और मैंने भी इसका स्वागत किया। आपने अभी जिक्र किया प्रयास, आपने कहा कुछ ही दिन हुए हैं आपको इस प्रयास फाउंडेशन से जुड़े हुए, आप क्षेत्र में उतरे, कुछ लोगों ने आपसे कहा कि चुनाव में आपके जो शुभ चिंतक, माना कि वो आपको मानते हैं, उन्होंने सोचा हो कि आप नेता के रूप में, लेकिन जनता भी तो ये जानेगी, माने 30 लोग आपसे कहें, 100 लोग कहें, यहाँ पर जनसंख्या देखी जाए तो 30,000 के आसपास, 30,000 लोगों के विश्वास पर आप 30,000 लोगों के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया के लिए उतर रहे हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप सिर्फ 30 लोगों के कहने पर, मैं तो ये पूछता हूँ कि आखिर जनता के लिए किया क्या आपने। मान लिया 5-6 साल पहले आपने सोचा कि आपने बताया कि यहाँ जन समस्या ऐसी, जल भराव का अब वगैरह, अगर ये सारी समस्या तो धरातल पर काम क्या किया अरविंद कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह ने क्या किया सड़क के लिए संघर्ष किया, क्या क्या अभी नाली के लिए, कभी हैंडपंप के लिए, क्या यहाँ सीवर की समस्या के लिए, क्या है पानी सप्लाई के लिए, क्या बिजली सप्लाई के लिए, कभी अरविंद कुमार सिंह ने धरातल पर आकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा, क्या उस बात को नगर आयुक्त, नगर निगम या मंत्रियों तक पहुंचाया, ऐसा कुछ किया? हाँ जरूर किया, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके लिए मैं क्षेत्रीय पास, जैसे किस समस्या के लिए आपने कहा, जैसे आप मान के चलिए कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, जटिल समस्या है पानी की, पानी की समस्या को इसका निराकरण करने के लिए मैं क्षेत्रीय जो भी 2 वार्ड के यहाँ पे लगते हैं, जहाँ मैं बैठे हैं वहाँ पे 2 वार्ड लगते हैं, एक इस तरफ
राजेंद्र है और इसके अलावा विद्यावती से, तो यहाँ के दोनों पार्षद लक्ष्मी सिंह भूपेंद्र सिंह, तो भूपेंद्र सिंह जी से मैं मिल करके हैंडपम्प के लिए और समय समय पे जहाँ भी गंदगी होती है उसके लिए उनसे बात करता हूँ, वो बकायदे वो नगर निगम कर्मचारी और पानी की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इसके लिए जो सबसे ज्यादा समस्या है वो पकड़ी गाँव है। पकड़ी गाँव में मैंने उनसे कई बार बात करके हैंडपम्प लगवाया, और आपका जो है एक टंकी रख पाई है ताकि वो पानी हैंडपम्प में भी कुछ दिक्कत हो तो टंकी से, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है उसका चित्र बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने प्रयास किया है। अच्छा एक आपने कहा राजनीतिक क्षेत्र में उतर प्रयास दिया निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का मन आखिर निर्दलीय ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए दल की जो प्राथमिकता है वो पांच दल है मेरे हिसाब से, भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस, ठीक है चार सॉरी, और आम आदमी पार्टी भी है तो वो भी सुबह दे रही है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी क्या लगता है? नहीं मैंने क्या, लेकिन आप मानते हैं ये पार्टियां हैं, तो अगर जैसे आम आदमी पार्टी उन्होंने भी टिकट के लिए बसपा का आप फिलहाल का जनाधार जान ही रहे हैं कैसा है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है और इसमें भी मेरा नाम था लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि अगर मैं इसमें जाता हूँ तो जो इस समय की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये चुनाव नहीं कर सकते। अच्छा फाइट नहीं कर सकते, सपा में भी वही हाल है, कांग्रेस का बिल्कुल भी चल रहा है और रहेगी भाजपा में आज की डेट में करीब करीब 46 से 47 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और चूंकि मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी हूँ और भाजपा भी एक ऐसी पार्टी पहली सीट हूँ एन वक्त पे या तो बहुत ही पुराना कोई या कोई मैं होगा उसको टिकट देती, मैंने भी लगा देती वो देखा तो या बिल्कुल नया रहेगी और या फिर बहुत ही जो उनकी पार्टी का जुड़ा हुआ पुराना कार्यकर्ता होगा और ये एन वक्त। नहीं तो इसमें जो आप कारण बता रहे हैं उसमें सारे कारण ये लग रहा है कि आपने आम आदमी पार्टी का धरातल पर नहीं है, उनको टिकट मिला आपने पूरा दिया, आपने बसपा का कहा कि वो तो बिल्कुल जनाधार खत्म है, आपने बस सपा का भी कहा कि इसका भी वही हाल है, भारतीय जनता पार्टी आपने 46 लोगों का जिक्र कर दिया, इसका मतलब दल आपकी नजर में सिर्फ टिकट देने और लेने के लिए है, विचारधारा कोई नहीं, यानी ऐसा भी होता ना कि आपके विचार नहीं मिले इसलिए आप उस दल में नहीं गए, टिकट नहीं मिलेगी आप किसी पार्टी में नहीं, टिकट मिल जाएगी आप पार्टी। ये आप जो कह रहे हैं टिकट नहीं मिलेगा किसी पार्टी को, मैं मेरी जो विचारधारा है वो बसपा से संबंधित है, बट बसपा में क्या है आपको मैंने पहले बताया भाजपा की विचारधारा मेरे विचारधारा से मिल रही है, इसलिए भाजपा में जाने का संबंध है। विचारधारा की बात तो अब आप कर रहे थे, हमने जिक्र कर दिया, ठीक है हमने तार छेड़े तो शुरू में शुरू मिल गए, उससे पहले तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा मैं इसमें भी भाजपा में जाने का मतलब ही नहीं, मैं एक बात आपसे कह रहा था उस समय कि भाजपा में कैंडिडेट कितने, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है ना कभी कभार पार्टी में रहकर कार्यकर्ता के तौर पर भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, बाद में आकर समर्थन दे दीजिए अगर आपका जनाधार है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ये था कि टिकट नहीं मिलेगी इसे जाना बेटा, नहीं टिकट तो मुझे मिल रहा है भाजपा छोड़ करके से मिल रहा है, नहीं सपा से भी नहीं जाता तो मैं जाऊँगा, आपको आम आदमी पार्टी से और बसपा। अच्छा एक चीज माना आपने कहा कि लगातार आपके काम है पार्टी से टिकट मिल रहा है जनाधार आपका ठीक है आपने काम किए कि बात नहीं कि आप जीत जाएंगे, देखिए मेरे जीतने का ये जो अपना हुआ है जो बसपा मैंने आपको बताया बसपा से मेरा संबंध रहा है, तो बसपा का जनाधार जो घट रहा है उसके आधार को देखते हुए मुझे बसपा का कुछ वोट परसेंट मिलेगा, क्षेत्रीय वोट जहाँ मैं प्रॉपर रह रहा हूँ उसके आसपास का कुछ वोट मिलेगा, और भाजपा का जो भीतर रहा मैंने क्या कहा आपसे कि भाजपा के करीब 46 कैंडिडेट इस समय अगर 46 में एक को मिलेगी तो एक को मिलेगी 45 नहीं 45 मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन 10 आदमी विरोध करेंगे, अगर 10 आदमी जरूरी 10 अरविंद के साथ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ 10 उसमें वो होंगे हो सकता है उसमें से 5 चुनाव लड़ रहे और 5 जो है अलग अलग किसी को भी वो करें, हो सकता है उनमें से एक मुझे भी सपोर्ट करे। अभी जी अगर मान लिया आप कह रहे थे कि
मैं यहाँ से जीतूंगा, अगर विश्वास है आपको प्रेम का और आपको आपको अपने काम का विश्वास है, अगर आप जीतते तो क्या है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या करके दिखाएंगे आपके क्षेत्र में? ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे को जो छोटी छोटी जन समस्या है, छोटी छोटी जन समस्या है और वही आगे चल के बड़ी भी हो जाती है, मुझे उनको क्यों सॉल्व आउट करना, कि वो समस्या ना रहे तो बढ़ने ना दे उसको, समस्या हो ना उसको बढ़ने ना दे, तो इससे इससे आम पब्लिक को तो भला होगा ही, और जब आम पब्लिक का भला होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें मेरा भी भला होगा। आप मानते हैं कि मूलभूत सुविधाओं पर आप से? हाँ, बस यही मेरा वो है। अच्छा एक चीज, आपने कहा जीत दर्ज कर लेंगे, मैं जब रिपोर्ट में था कई जगह पर मैंने देखा कि आपके नाम को भी लोग नहीं जानते, पर जब ये बताया गया कि नहीं अरविंद जी ये चुनाव लड़ रहे, तो उस पर भी लोगों का जिक्र नहीं आ रहा था। तो अगर आप पर्ची चर्चित हैं, आप जीत रहे हैं, तो नाम तो लोगों को जानना, जिसका नाम लोग नहीं जानते काम के जाने में जो देंगे। आप जैसे कह रहे हैं क्षेत्र में तो जो क्षेत्र का प्रसिद्ध इसकी वजह से जो क्षेत्र हमारा पड़ता उस क्षेत्र की तो मैं बात ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इस क्षेत्र में लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, और उसी के लिए सर्वप्रथम मेरा काम यही था कि पहले मुझे कुछ होर्डिंग्स लगवानी, पोस्टर्स लगवाने कि पब्लिक मुझे जाने। आपको लगता नहीं कि नाम कभी भी काम से अधिक जाना जाता है? होर्डिंग बैनर पोस्टर के माध्यम से आप नेता बन जाए, विकास नेता का मतलब नेतृत्व करने की विराट क्षमता रखने वाला, पर आप यदि जनता की प्रतिनिधि के रूप में अगर नेतृत्व कर पाए होंगे और ये मेरी अपनी एक अपनी ख्वाहिश नहीं रही है, जो हमारी टीम इसी क्षेत्र की टीम, कोई जो भी क्षेत्र में भी है बहुत से लोग उनको भी नहीं जानते, और सबसे बड़ी चीज ये कि छवि की बात, बहुत से लोग छवि महत्वपूर्ण है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी छवि अच्छी, इसका बेनिफिट मुझे चुनाव। चलिए देखते देखते हैं अरविंद जी आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से दावेदारी करते हैं, हमारी इस पेशकश में आप जरूर देखिएगा। कैमरामैन आशीष दीक्षित के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।